हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वातिज डायरी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय में और बहुत लोग परेशान हैं। सब लोग इसी इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द मानसून आए और बारिश शुरू हो ताकि हम इस गर्मी से थोड़ी राहत मिले। तो क्या होता है कि ऐसे गर्मियों के सीज़न में बहुत सारे स्किन्स के प्रॉब्लम होते हैं। गर्मी इतना ज़्यादा होती है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हम सबको बहुत ही स्किन्स के तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और इस टाइमिंग में अपनी स्किन का थोड़ा ख्याल रखना भी हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इतनी कड़ाके गर्मी है, धूप है, बाहर आना जाना, काम, हर किसी को कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो बाहर आना जाना लगा ही हुआ है। भाई तो ऐसे टाइमिंग में, गर्मियों का जो मौसम चल रहा है, ऐसी टाइमिंग में हम लोग को थोड़ी सी अपनी स्किन के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो हमारी स्किन केयर के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल और ईजी है। इसमें कुछ भी आपको ताम झाम नहीं करना है कि ये चीज़ खरीद के लाइए, ये मिक्स वेल, वो मिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से मिलने वाला मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि हमारी स्किन के ऑल टाइप्स ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब के लिए बेनिफिटेबल होगा। और जो भी हमारी स्किन के, ऐसा नहीं है कि ये ऑयली स्किन है या फिर सेंसिटिव स्किन है या फिर रूखी है, तो उस सब के लिए ये बेनिफिशियल है। तो मैं आज वही रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर, तो मैं जिस रेमेडीज के बारे में बात कर रही थी वो है ये एलोवेरा। और आप लोग तो हर कोई इसको पहचानते होंगे, आजकल तो हर कोई अपने घर के गार्डन में भी इसको लगा के रखता है। तो ये एलोवेरा ही है वो रेमेडी जिसको मैं शेयर करने वाली थी आप लोग के साथ। इसके इस्तेमाल से जो भी आपके टाइप ऑफ स्किन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन के ऊपर, चाहे वो रैशेज हो या फिर एक्ने की प्रॉब्लम हो, जो भी है, वो आपको इससे दूर हो सकती है। क्योंकि मैंने इसको खुद अप्लाई किया है और काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ है, इसलिए मैंने पर्सनली इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जरूर ये शेयर करूंगी। क्योंकि अभी मौसम भी आप लोग देख रहे हैं कि कितनी गर्मी हो रही है, तरह तरह के, मैंने जैसा कि पहले ही बोला कि स्किन की प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि ये जो मुझे बेनिफिट हुआ जिस चीज़ से, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद कुछ लोगों को इससे बेनिफिट हो जाए। और इसका कोई, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से कोई भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते नहीं हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा कि इसको हम लोग, इसका जूस भी बहुत लोग पीते हैं, इससे जैसे कि बहुत ही ठंडक पहुंचाता है पेट। इसके साथ ऐड नहीं किया था, सबसे पहले मैं आपको इसको यूज़ करके दिखलाऊंगी कि कैसे मैंने यूज़ किया है, इसका क्या बेनिफिट हुआ है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना है पानी से, सिंपल वाटर से, ठीक है। और उसके बाद जो ये एलोवेरा है, उस एलोवेरा को इसको कट कर लेना है थोड़ा सा, और इसके अंदर का जो पल्प है उसको निकालना है इस तरीके से। देखिए ये सामने का जो पल्प है इसको निकालना है और सिंपली इजीली जो ये इसका पल्प है उसको अपने पूरे फेस पे इसको यूं रब करना है। मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ और सिंपली इसको अपने पूरे फेस पे इसको रब करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। ये नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा उसको दबा दबा के करना है, नहीं, बहुत हल्के हाथों से जो इसका पल्प है, जो इसके अंदर का लिक्विड है, उस लिक्विड से अपने पूरे फेस को रब करना है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, ऐसा हो कि जो इसका लिक्विड आपके पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड होके लग जाए। तो एकदम हल्के हाथों से करना है, इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं, ना कोई एडिशन इसमें करना है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्लीन और नेचुरल है। मैंने अभी मेरे गार्डन से इसको लाया है, मैंने खुद इसका पौधा लगा के रखा है अपने गार्डन में। तो कुछ भी नहीं करना है, बस यूं करना है, इसको लगाना है। पूरे फेस पे इसको अच्छे से, तो ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे स्किन पे ये पूरे अच्छे से लग चुका है।
तो इसको लगाने के बाद इसको ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए ऐसे आप छोड़ दीजिए। ये 5 से 10 मिनट में ऐसे अपने आप ये ड्राई हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब ये पूरा ड्राई हो चुका है। जो मैंने अपनी स्किन पे ये एलोवेरा का पल्प लगाया था, वो पूरा ड्राई हो चुका है। और ड्राई होने के बाद अब इसको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको पानी से वॉश कर लेना है। तो अब मैंने आपको करके भी दिखाया, ये मेरा पूरे अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब इसको मैं सिंपली पानी से वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ इसके इफेक्ट्स, इसके बाद मेरा स्किन कैसा दिखता है। तो आफ्टर वॉश जो मेरा फेस है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे काफ़ी से बेनिफिट हुआ है और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है। तो आप लोग भी इसको ट्राई करिए, अगर आप लोग को बेनिफिट होता है, आप लोगों को कैसा इसका इफेक्ट हुआ है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्वातिज डायरी। कीप वॉचिंग।